इस बार का चुनाव जो है वो मंगलसूत्र, हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर, इस पर होगा या महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर? देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, सड़क, पानी, बिजली, कोयला, लोहा, स्टील, गन्ना मिल पर तो होना नहीं है। चूंकि जीतना मैंने नाम लिया, अगर पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर एक लोहा फैक्ट्री अगर ये प्रधानमंत्री और इनकी सरकार बना दी हो तो बतावे, एक स्टील प्लांट कहीं बैठा है तो बतावे, नहीं तो बता रहे बड़ा विकास कहां, उनके मुंह में विकास हुआ है। राम मंदिर कह रहे हैं, राम मंदिर नहीं, राम मंदिर हो गया जब लाखों लोगों की लाश सड़क पर थी तो इनका 5000 VIP 5-star कार्यालय बन गया। जब देश लॉकडाउन को झेल रहा था, दंश को, जब देश की जनता के आवाम के पास न बेड था, न दवा थी, न मेडिसिन था, न कोई स्वास्थ्य व्यवस्था थी, न डॉक्टर था, न कंपाउंडर था, लेकिन सरकार ने 5000 कार्यालय 5-star बनवा रही थी, देश की जनता मर रही थी, देश की जनता उनके हाल पर छोड़ दी गई थी। आप कहते हैं 400 पार, हम भी मान लेते हैं साहब, आपने 400 पार की बात की, 400 पार कटोरा का है, 400 पार महंगाई का है, 400 पार मंगलसूत्र का है, 400 पार देश बेचने का है, 400 पार देश को तबाह करने का है, क्या 400 पार भारत का संविधान का खात्मा करने का है? आखिर ये 400 पार की परिभाषा, क्योंकि मैं कम पढ़ा लिखा हूं इसलिए हमको नहीं समझ में आता, क्योंकि कुल रिसर्च करने वाले जितने देश के हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी में है, तो हम लोग कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि 400 पार किस बात की गारंटी है। मेरा कहना है इसके संदर्भ में कि आज लोकतंत्र बचाने की जरूरत है, संविधान बचाने की जरूरत है, मानवता को बचाने की जरूरत है, सद्भाव को बचाने की जरूरत है, देश की एकता और अखंडता को बचाने की जरूरत है।